माँ देखिए, ये मामला वैसे ही बहुत उलझ गया है, अब आप इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूँ इस मामले को? तू मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। क्या चाहता है तू कि कोई कुछ भी बकता जाएगा और मैं चुपचाप सुनती जाऊंगी? माँ ये हमारे घर का मामला है, इसमें कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है? आप प्लीज हंगामा मत करिए। क्यों ना करूं? और कोई कुछ भी किसे कहता जाएगा? उसे देखो, उस प्रीति की मामी को ऐसे चिल्ला रही थी जैसे मैंने ही प्रीति को गायब करवा दिया है। जब इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतना बड़ा इल्जाम लगा जा रहा है मेरे ऊपर और तू कहता है मैं खामखा परेशान हो रही हूं। देखिए मां, अब परेशान होने से समस्या का हल तो नहीं हो जाएगा, और इस तरह का हादसा हुआ है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अब किस किस का मुंह बंद करेंगी? हाँ, किसको क्या मालूम कि मैं प्रीति को वहां किस लिए ले गई थी? किस किस को बताऊंगी कि मैं प्रीति को वहां इसलिए ले गई थी कि वो मां बनने वाली थी? मैं उसे मन्नत मंगवाना चाहती थी कि होने वाला बच्चा बेटा हो। माँ, अब जब प्रीति गायब हो गई है तो ये सब बातें करने का क्या फायदा? मुझे क्या कम दुख है अपनी बहू का इस तरह गायब हो जाने का? जब वो फिसल कर खाई में गिरी तो मैं कितनी देर तक वहां उसे ढूंढती रही, जाकर पूछ ली वहां के लोगों से। माँ, बार बार ये बातें क्यों कर रही हो? ऐसे कह रही हो जैसे मुझे आप पर शक हो रहा है। क्या पता बेटा, आज के जमाने में कुछ भी संभव है। आज तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, लेकिन कल अगर वाकई प्रीति का कुछ पता न चला तो? माँ प्लीज, हेलो, ये लाश हमें मिली है, आप लोग इसकी शिनाख्त कर लीजिए। ये लाश आपको कहां से मिली? पहले आप इसे पहचान तो लीजिए। ये प्रीति नहीं है। आपके पास प्रीति की तस्वीर है ना? तो फिर आपने हमें यहां इस लाश को देखने के लिए क्यों बुलाया? I'm sorry, पर मैं जानता था कि ये लाश प्रीति की नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों को यहां बुलाया क्योंकि मैं आपकी माताजी के रिएक्शन देखना चाहता। क्यों? इस केस में वो प्राइम सस्पेक्ट है। आपको मेरी मां पर शक है? जी। ऐसा उनका कहना है, और उस वक्त मिसेस बिक्की के साथ